नमस्कार, रागवी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे फलाहारी साबुदाने का नमकीन। ये बनाने में बहुत ही आसान है, आप एक बार बना दीजिए, 9 दिन तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। आइए देखते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे। देखिए, आज जो हम साबुदाने का स्नैक्स बनाएंगे उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं नायलॉन साबुदाना। बाद में आपको दो तरह के साबुदाने मिलेंगे, एक तो ये जो नॉर्मल हम खिचड़ी वगैरह बड़े बनाने के लिए यूज़ करते हैं, एक ये है, और दूसरा है ये नायलॉन साबुदाना। इसमें अंतर ये है कि ये वाले दाने बड़े होते हैं और इसका कलर वाइट नहीं होता, ठीक है, और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है। और देखिए ये वाला कैसा होता है, एकदम वाइट होता है, ठीक है। तो ये वाला हम यूज़ नहीं करेंगे, हम आज नायलॉन साबुदाने से ये स्नैक्स बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो नायलॉन साबुदाना है हमने लिया है, इसे हम तल लेंगे। यहाँ हमने तेल को हाई फ्लेम में गरम करके उसके बाद हम इसका फ्लेम मीडियम करके इसे तल लेंगे। इसे हम तल लेंगे। देखिए हमारे साबुदाने ऐसे फूल चुके हैं और इसे हम हल्का सा इसे पलट लेंगे। इसे ऐसे करके आप अच्छे से चला लीजिए ताकि दोनों तरफ अच्छे से ये फ्राई हो जाए। देखिए हमने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए अब हम इसे निकाल लेंगे ऐसे करके हमें। देखिए अब हम इसमें 1 कप हमने यहाँ पे फल्ली ली है और इसे हम डाल देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारी फल्ली तल गई है, अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए नायलॉन साबुनदानों को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है और यहाँ पे हमने जो 1 कटोरी फल्ली ली थी उसे भी हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें से सिर्फ आधा मूंगफली यूज़ करेंगे, इसमें ऐसे करके हम डाल देंगे और सिर्फ आधा यूज़ करेंगे इसको। बाकी एक और स्नैक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उसमें आपको बताऊँगी। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, ऐसे मैंने कूट ली है, आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो ना भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। इसमें थोड़ा सा हम काली मिर्च डालेंगे और क्योंकि ये व्रत का है तो इसमें हम डालेंगे सेंधा नमक, थोड़ा सा सेंधा नमक डालेंगे। और इसे डाल के हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कि हमारे फलाहारी साबुदाने के नमकीन बनके तैयार हो गए हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।